चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। आज पर्यावरण अध्ययन के लिए सीटेट के अंतर्गत आज सीटेट के इस लेक्चर नंबर 1 में पर्यावरण अध्ययन के साथ पुनः प्रस्तुत हूं और आज विस्तार से बातचीत किया जाएगा। यहां पर ध्यान देंगे कि सीटीईटी के पर्यावरण शिक्षण पर, जो कि आज का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो सीटेट के पर्यावरण शिक्षण के लेक्चर नंबर 1 में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पे जो यदि सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की यदि बात किया जाए तो किसी भी सीटेट के सभी भागों में उसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की यदि बात किया जाए तो उस विषय विशेष का शिक्षण होता है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जो आप में समझ को विकसित करता है और साथ ही साथ प्रश्न को समझने में भी आपके लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम शुरू करते हैं पर्यावरण शिक्षण को। और इस पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वास्तव में पर्यावरण शिक्षण है क्या, इसका सैद्धांतिक रूप से क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है और इसका व्यवहारिक रूप से क्या उपयोग है। तो यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण को जानने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले शिक्षण को जान लें कि वास्तव में शिक्षण क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपसे चर्चा किए कि पर्यावरण शिक्षण क्या है। उसके पहले हमने ये बात किया जानने के लिए कि शिक्षण क्या है, लेकिन इस शिक्षण पर्यावरण शिक्षण दोनों से पहले एक बात हमें और मूल रूप से जान लेना चाहिए कि हम ये शिक्षण अधिगम, जितनी भी गतिविधियां पर्यावरण का अध्ययन किसके परिप्रेक्ष्य में करने जा रहे हैं, वो विषय वस्तु हमारी क्या होगी जिसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे आपसे शिक्षण अधिगम की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे जो सीटेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि प्राथमिक स्तर का, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि प्राथमिक स्तर का बालक जो कि आयु में 4 से 5 या 5 से 6 वर्ष का होता है, को हमें पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम, या आप ऐसे समझें कि पर्यावरण के शिक्षण अधिगम के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई बालक इस वातावरण में किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाता है और किन गतिविधियों के माध्यम से वो आगे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान देंगे कि बालक जब इस धरातल पर आता है, इस पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है और इस कोरे कागज में धीरे धीरे समय के साथ वातावरण की उत्तेजनाओं से वह प्रभावित होता जाता है और उसके अंदर एक के बाद एक सूचनाएं मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में विद्यमान होती चली जाती है। दोस्त एक शब्द आया मानसिक प्रक्रियाएं, तो यहाँ पर हम ये ध्यान दे लेंगे कि मानसिक प्रक्रियाएं क्या है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के सोचने समझने और व्यवहार करने के बीच में जो गतिविधियाँ व्यक्ति के मस्तिष्क के द्वारा संचालित की जाती है, वो आपकी क्या मानसिक प्रक्रियाएं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहलाती है। यदि इसमें हम देखें तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो बालक को वातावरण से रूबरू कराते हैं। जैसे आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं या आप कहीं पे कंसंट्रेट होकर के किसी स्थान विशेष पर आप ध्यान लगाए हुए हैं, तो यदि पीछे से या बगल से कोई व्यक्ति आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आया, और जैसे ही आप ऐसे पलट करके देखते हैं और लगता है कि हाँ फला व्यक्ति आया, तो आपको यहाँ पे उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दो महत्वपूर्ण बात को किया, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण।
जब आपने ये बात जाना था कि कोई व्यक्ति बगल में आया लेकिन आपको पता नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है, इस बात को संवेदना कहते हैं। मतलब संवेदना कहते हैं कि विषय वस्तु का अधूरा ज्ञान, या एक शब्द आता है उद्दीपक, और उद्दीपक क्या होता है कि वातावरण में प्रभावित करने वाले वे सभी तत्व जो व्यक्ति या जीव को प्रभावित करते हैं उद्दीपक कहे जाते हैं। तो वे सभी या उद्दीपक का अधूरा ज्ञान क्या कहलाता, संवेदना। आया हुआ पिछले वर्ष का प्रश्न है कि आपके सीटेट में पूछ चुका है कि संवेदना क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि उद्दीपक का अधूरा ज्ञान संवेदना कहलाता है। और जैसे ही उद्दीपक का हमें अर्थपूर्ण ज्ञान होता है वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से चिंतन, और ऐसे समझे ध्यान, चिंतन और सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से हम डिसीजन मेकिंग तक पहुंचते हैं। ये हमारा मानसिक प्रक्रिया कला के माध्यम से बालक क्या होता है, सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में, फिर पिता के संपर्क में, फिर इसके बाद वो आता है परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में, और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क के बाद वो पास पड़ोस के संपर्क में आता है, और पास पड़ोस के संपर्क में आने के साथ ही साथ वो खेल के मैदान में जाता है और वहाँ वो मित्र बनाता है। और मित्र के क्रम में वो दो प्रकार के, अब देखिए जैसे वो खेल के मैदान में गया पास पड़ोस के वातावरण में, यही से खेल के माध्यम से बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। और यहाँ पे आया हुआ प्रश्न है कि बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है, तो दोस्त ध्यान देंगे कि खेल के मैदान से ही प्रारंभ हो जाता है। अब वो खेल के मैदान के माध्यम से इस सामाजिक प्रक्रियाओं में वे दो प्रकार के अव्यवहार को सीखता है, एक क्रम में यदि आप कहें तो वांछित व्यवहार को सीखता है, दूसरा सीखता है अवांछित, अर्थात वह सही गुणों के साथ ही साथ वह शरारत को भी सीखता है। इस प्रकार की गतिविधियों के बाद बालक आता है कक्षा कक्ष वातावरण में, जिस कक्षा कक्ष वातावरण के लिए हम यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वांछित एवं अवांछित गतिविधियों के साथ बालक आता है, और वह क्या करता है कि जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे मुड़ करके पढ़ा रहे होंगे कि ए फॉर एप्पल, जैसे इधर लिख रहे होंगे कि पीछे से आवाज आएगी सर पीछे वाले ने मार दिया, और तुरंत आप क्या होंगे ए फॉर एप्पल में आप फंसे और पीछे उलझन को सुलझाने लगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि सिटेट पूछा प्रश्न कि कक्षा में शरारती बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, या शिक्षक की निम्न गतिविधियां होनी चाहिए, बन गया प्रश्न, और चार ऑप्शन दे दिया, हो गया। तो यहाँ पे इन पहलुओं पे भी यहाँ पे आपको अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पर्यावरण शिक्षण के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि वास्तव में वो शिक्षण क्या है, एक शिक्षक यहाँ पे क्या परिवर्तन चाहता है, क्या विद्यार्थियों में वे किन प्रकार की गतिविधियों को शामिल करना चाहता है के बारे में हम यहाँ पे आज चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण को जानने से पहले कि वास्तव में शिक्षण क्या है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि शिक्षण अंग्रेजी के टीचिंग का क्या है, हिंदी पर्याय है, या अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी शिक्षण शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है सिखाना या ज्ञान प्रदान करना। यहाँ पे नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे कि शिक्षण क्या है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसको सामाजिक वातावरण में बालक को अधिगम कराया जाता है। नेक्स्ट क्रम पे आएंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि शिक्षण जो होता है वह देश, काल और वातावरण के अनुसार, या ऐसे समझे
कि शिक्षण की जो परिभाषा है वह देश काल वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और यहाँ पर देश काल वातावरण के अनुसार परिवर्तन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ विद्यमान होंगी, वहाँ पे जिस प्रकार के व्यवस्थाएं लागू होंगी और जिस प्रकार की गतिविधियाँ संपादित हो रही होंगी के आधार पे शिक्षण किया या कराया जाता है। तो यदि यहाँ पर शिक्षण के को बांटना हो तो हम ध्यान देंगे कि शिक्षण एक राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली होती है। और इस राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या होती है कि राज्य, ध्यान देंगे शब्द पे ही ध्यान देंगे, राजतंत्रात्मक अर्थात राज व्यवस्था, जब राजा वाली शासन प्रणाली चलती थी उस, यहाँ पे अप्रोच की बात हो रही थी ऐसी गतिविधियों के लिए, दोस्त आप समझेंगे कि जब राजा हुआ करता था तो शासन की संपूर्ण सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती थी और सभी व्यक्ति को उसका आदेश मानना पड़ता था। तो यहाँ पर समझेंगे कि राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक जो होता है वह शिक्षण का या शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र बिंदु होता है और यहाँ पे विद्यार्थी एक श्रोता बन करके सिर्फ शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करता है या वह एक निष्क्रिय रूप में रह करके शिक्षण को ग्रहण करता है। तो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली एक प्रकार से निरंकुशतावादी शिक्षण प्रणाली मानी जाती है। आगे के क्रम में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, और इस लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली को सौहार्दपूर्ण शिक्षण प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं और यहाँ पर शिक्षक, यहाँ पे छात्र दोनों के बीच में एक अच्छी अंतःक्रिया होती है और इसी अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों शिक्षण अधिगम के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात यहाँ पे शिक्षक छात्र को शिक्षण की धारा में आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। यहाँ पे एक तीसरे क्रम की यदि बात किया जाए कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली की, तो दोस्त यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से सीधे तौर पे तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षण प्रणाली जहाँ पे छात्रों को शिक्षण अर्थात सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और छात्र क्या करें कि अपनी सृजनात्मकता को, अपने अंदर निहित रचनात्मकता को, अपने अंदर निहित विशिष्टताओं को स्वयं प्रदर्शित करें, शिक्षक यहाँ पे छात्र के मित्र की भूमिका निभाए अर्थात वह उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी गतिविधियों में उसकी सहायता प्रदान करें। तो यहाँ पे हमने राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली की बात किया जिसके माध्यम से यहाँ पे शिक्षण को व्याख्यायित किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ शिक्षण की परिभाषाओं को ले लेंगे कि यहाँ पे विद्वान शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, अर्थात यहाँ पे ये लाइन कह रही है कि शिक्षण एक पारस्परिक से तात्पर्य है कि एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे के बीच में अंतःक्रिया करने वाला एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। अर्थात यहाँ पे शिक्षक के द्वारा सबसे पहले बात हो रही शिक्षक छात्र के बीच में एक अंतःक्रिया, इस अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, अर्थात वांछित परिवर्तन से तात्पर्य है कि बालक के
गुणों व्यवहारों में इस प्रकार का परिवर्तन लाना जिसको समाज के नियम प्रथाएं परंपराएं मान्यता प्रदान करती हो। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रत्येक प्रकार के समाज के नियम कानून मान्यताएं अलग अलग होती है, तो जिस वातावरण में अध्ययन अध्यापन का कार्य संपादित हो रहा हो उस वातावरण में बालक को किस प्रकार का वांछित व्यवहार परिवर्तन चाहिए के बारे में एक व्यवहार परिवर्तन करना। अगर हम यहाँ पे एच सी मॉरिसन साहब को यदि ले लें तो इन्होंने कहा कि शिक्षण एक परिपक्व के द्वारा कम परिपक्व के मध्य आत्मीय संपर्क है। एक परिपक्व तथा कम परिपक्व की बात की गई, अर्थात यहाँ शिक्षक और छात्र की बात हो रही है कि मध्य एक ऐसी अंतःक्रिया या एक ऐसा सौहार्दपूर्ण संबंध जिसमें अधिक परिपक्व अर्थात शिक्षक छात्र के लिए, यहाँ पे कह रहा कि कम परिपक्व को शिक्षा के दिशा की ओर अग्रसारित किया जाता है, अर्थात वो शिक्षक अर्थात जो परिपक्व व्यक्ति शिक्षक छात्र को उसके समग्र विकास या उसके संपूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आएंगे, अब यहां से हमने आपको शिक्षण के क्रम पे बातचीत किया, अब ये बात ध्यान देंगे या आपके लिए समझना आसान होगा कि पर्यावरण शिक्षण क्या है। तो इस पर्यावरण शिक्षण के क्रम में हम देखेंगे या यहां पर ध्यान देंगे कि पर्यावरण शिक्षण प्राकृतिक वातावरण एवं मानव क्रियाओं के मध्य संबंध को दर्शाता है। सीधे तौर पे ऐसे समझे, चूंकि देखिए आप शिक्षण को समझ चुके हैं कि वास्तविक जगत में शिक्षण क्या है, कि छात्रों के या शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, वातावरण काल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन लाना हमारा शिक्षण कहलाता है। तो इस शिक्षण के क्रम में या पर्यावरण शिक्षण के क्रम में कि वातावरण के प्रति एक छात्र को किस प्रकार के ज्ञान, किस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन, किस प्रकार के नियम प्रथाओं परंपराओं के आधार पे व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, इसका अध्ययन करना हमारा पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। अर्थात एक शिक्षक को वातावरण की गतिविधियों को किस प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए का अध्ययन करना, का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक सामाजिक एवं आर्थिक अर्थात परिवेश की समझ विकसित करता है। जब आप पर्यावरण शिक्षण कर रहे होते हैं तो आप वातावरण में निहित सभी घटकों, सभी मान्यताओं, सभी प्रकार के आयामों के बारे में छात्र को जागरूक कर रहे होते हैं और उसके बारे में एक सहज एवं सकारात्मक छात्रों के मध्य दृष्टिकोण विकसित कर रहे होते हैं। और क्या कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण पर्यावरणीय समस्या उसका निवारण तथा उसे संरक्षित रखने से, अर्थात पर्यावरण की जटिलताएं क्या है, समस्याएं क्या है, उसका उसको उसके इस जटिलताओं का कारण क्या है और किन किन माध्यमों या प्रक्रियाओं के द्वारा इन जटिलताओं को कम किया जाता है, ये आप पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जान पाते हैं। एक यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या कह रही है, कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहती है कि पर्यावरण का शिक्षण जो है वो बच्चों के स्कूली जीवन को पर्यावरण से जोड़ना, अर्थात उनके बाह्य वातावरण से जोड़ना, ताकि वे व्यवहारिक जीवन में इस ज्ञान का उपयोग कर सके। पर्यावरण के यदि महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण अर्थात पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं का कारण क्या है, किस वजह से पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न होती है और उसका उचित निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पे पर्यावरण के घटकों में अर्थात यहाँ पे जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि में एक अच्छा संतुलन कैसे बन सकता है के बारे में हम जानते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण व उसके दुष्प्रभाव के बारे में और इसके साथ ही साथ इसके संबंध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस हेडिंग को नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ा जाएगा।
यहाँ पे आप अपने ऑनलाइन एडमिशन और उससे संबंधित समस्त गतिविधियों के लिए यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ इस नंबर पे आप यहाँ पे संपर्क करेंगे जिससे आपको ऑनलाइन एडमिशन और उससे संबंधित समस्त क्रियाओं की जानकारी सहजता से प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।